बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तकरीबन 2 साल से मैं काफ़ी फाइट कर रहा हूँ लोअर बैक पेन की, और तकरीबन मैं सऊदीया में जॉब कर रहा था और मेरी जॉब भी तकरीबन तो वो टफ थी, ऑलमोस्ट वो टफ हो गया था मेरे लिए मैनेज करना, और काफ़ी इलाज करवाया, सऊदीया में भी इलाज करवाया, यहाँ पाकिस्तान में आके भी इलाज करवाया, फिर MRI वगैरह करवाया, काफ़ी मतलब सर्जन वगैरह जो थे वो रिकमेंड कर रहे थे कि ऑपरेशन करें, तो लेकिन एक मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, फिर मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि CBT जो CBT पाकिस्तान में जो किडनी में इनको चेकअप करवाएं। तो इधर मैं आया माशाल्लाह, फर्स्ट सेशन के बाद मैं काफ़ी जब मैं मतलब फर्स्ट टू जो सेशन थे उसके बाद मैं जब खड़ा हुआ तो काफ़ी बैलेंस फील कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब बहुत बेहतर है मेरे से, मतलब मैं बैठ भी नहीं सकता था और मैं कोई बेड के ऊपर या किसी मतलब आपकी पहली हेल्प पे कोई अगर टेबल पे कोई चीज़ पड़ी है मैं शक्ल नहीं कर सकता था, थोड़ा सा बैंड हो, और मैं रुकू भी नहीं कर सकता था, बैठ के सजदा कर सकता था लेकिन रुकू नहीं कर सकता था। तो अब मैं काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, और मैं मतलब बगैर कुशन के बैठ नहीं सकता था, मैं बैठ रहा हूँ और काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। भी एक दफ़ा डेफिनेटली एक दफ़ा ट्राई करें इसको, जो काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो उनको मैंने देखा है वो सफ़र कर रहे हैं 3-3, 4-4 साल से इस पेन से, तो एक दफ़ा आजमाएं। आपके शोल्डर की पेन है, आपकी नेक की है, घुटनों की पेन है, आपके आपकी बैक पेन प्रॉब्लम है, तो एक दफ़ा आप ज़रूर आजमाएँ इंशाल्लाह। और ये तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है यहाँ से, इंशाल्लाह शिफा जो है अल्लाह के हाथ में, अल्लाह आपको भी शिफा दे।